हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए देखते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस पे आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई ले लेना है, उस पे 1 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, ठीक है। बोट नेक का ब्लाउज है और 36 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, इसलिए इसका शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद बगल ले लेनी है, बगल भी 7.5 ही रखनी है, बोट नेक का है तो बगल भी 7.5 इंच ही रखनी है। फिर इसका चेस्ट देख लेते हैं, 36 इंच का चौथा भाग ले लेंगे 9 इंच, उस पर 2 इंच प्लस कर देना है मार्जिन के लिए, ठीक है। अभी हम कमर का देख लेते हैं, कमर का भी वही है, 8 इंच इसकी कमर है और उस पर 2 इंच प्लस कर लेना है। पीछे के डॉट के लिए भी 1/2 इंच प्लस कर लेना है, जो पीछे 2 टक्स लगेंगे। आर्म होल में गोलाई दे देना है। उसके बाद अभी हम गले की मार्किंग देख लेते हैं। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच का रखेंगे। उसके बाद गले की लंबाई जो है बोटनेक है, इसकी लंबाई जो है 5 इंच रखेंगे, ठीक है। एक बॉक्स तैयार कर लेना है, उसके बाद गोलाई दे देना है, नॉर्मल जैसे गले की गोलाई शेप देते हैं वैसे दे देना है, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग देख लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेना है हमें, ठीक है। इसकी कटिंग देख लेते हैं, हाफ इंच इस पर शोल्डर डाउन करना पड़ता है बगल की तरफ, वो कर लेना है, 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेना है बगल की तरफ। उसके बाद फिर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करनी है। बैक का हमने 16 इंच रखी थी लंबाई, इसको हम 1 इंच और प्लस करेंगे और 17 इंच रखेंगे। शोल्डर का सेम है 7.5, बैक जिस बैक का था वैसे फ्रंट का भी है 7.5। 4 इंच पे गले की मार्किंग करेंगे। बगल का भी वही है सेम, 7.5 बगल रखनी है। और अभी चेस्ट का देख लेते हैं। चेस्ट हम 9 इंच का रखे थे, इस पर 1/2 इंच प्लस करना है, 9.5 करना है, 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है, ठीक है। आर्म होल की गोलाई दे देना है, 1 इंच पे गोलाई दे देना है। और अभी सामने का गला है, गले की लंबाई रखेंगे हम 5 इंच की, ठीक है। एक बॉक्स बना लेना है, उस पर फिर गले की गोलाई दे देना है। अभी हम आगे का देखते हैं कि प्रिंसेस कट का टक्स पॉइंट कैसे करना है। पहले कमर का देख लेते हैं। कमर का भी वही है, जिस हम बैक साइड में ले वैसे कमर का भी सेम वही रखना है, ठीक है। दोनों जॉइंट डॉट को जोड़ लेना है, चेस्ट और कमर में, कमर का जो है सीधी लाइन निकाल लेना है अपने को। फिर अभी हम देख लेते हैं टक्स पॉइंट प्रिंसेस कट का। टक्स पॉइंट हम शोल्डर से नीचे की ओर रखेंगे 10 इंच, फिर उसके बाद 4 इंच ले लेना है, नीचे से हमें 3.5 इंच ले लेना है, 4, और जो 3.5 इंच लिए हैं उस पर एक सीधी लाइन निकाल लेना है, जैसा आप देख पा रहे होंगे वीडियो पे, ठीक है। अभी हम नीचे देख लेते हैं, 3.25 इंच पे एक डॉट लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे। 3.25 इंच का इसलिए लगा रहे हैं कि कप्स इसमें नहीं, बिना पैडेड ब्लाउज है, और 3.25 इंच इसलिए लिए हैं कि ताकि पफ जो है गहरा आए, 36 इंच की छाती है इसलिए थोड़ा गहरा आए, हैवी साइज ब्लाउज है, ठीक है। अभी जो नीचे हम 3.25 इंच लिए हैं, वही सेम जो हमने अपना फिटिंग का निशान लगाया है उसी के जस्ट बगल पे हमें 3.25 इंच ले लेना है, 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि वहाँ की कटिंग हो जाएगी और ये सिलाई पे इतना दबेगा तो कपड़ा कम जाएगा, इसीलिए हमको आगे 3.25 इंच लेना पड़ता है, ठीक है। अभी सीधी लाइन निकाल लेंगे, ऊपर जो चेस्ट का निशान लगाए हैं वहाँ से नीचे की ओर सीधी लाइन निकाल लेना है, ठीक। उसके बाद 1 इंच रखेंगे, 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और वो 1 इंच सीधी लाइन जोड़ लेंगे। जैसा आप वीडियो पे देख रहे हैं वैसा ही आपको करना है, बहुत सरल तरीके से मैं आपको ये सिखा रही हूँ। 1 इंच हमको हुक्का की पट्टी के तरफ भी ऊपर की ओर
ले लेना है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसकी स्टिचिंग भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। अभी हमें नॉर्मल कटिंग कर लेनी है, जैसे हम निशान लगाएं वैसे हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बिना पैडेड ब्लाउज है, सादा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, पैडेड ब्लाउज नहीं है। देखिए इसकी कटिंग हो गई है सिंपली। अब इसको भी वैसे ही कटिंग कर लेना है, गोलाई में शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। जो हमने एक सीधी लाइन निकाले हैं फिर वहाँ से कटिंग कर लेना है ऊपर की तरफ। अभी गले की कटिंग करना है। नीचे जो हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन किया था बैक साइड पे, बैक पार्ट पे, वैसा ही फ्रंट साइड पे भी कर लेना है और फिर कटिंग कर लेना है हाफ इंच शोल्डर डाउन करके। गले की कटिंग हो गई है। अभी एक इंच जो ऊपर की ओर डॉट लगाए थे वहाँ से भी कटिंग कर लेना है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपकी इसकी कटिंग बताई है और अभी इसकी स्टिचिंग भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगी। थैंक यू।